मणिपुर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वायरल हुआ है, जिससे देश की छवि बर्बाद हुई है, आप जानते हैं इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं या किनकी जिम्मेदारी थी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए देश में एक महिला आयोग भी हुआ करता था। इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग कहां है? न कोई जानने का प्रयास कर रहा है, न मीडिया सवाल करता है, सब गायब है, सब गायब है। ऐसा क्यों है? जब महिलाओं के हितों के लिए ही राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है, उसके मेंबर बनाए गए हैं ताकि वो महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाए, राज्य सरकारों को बताए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या अगर घटना घटी है तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप यदा कदा कभी कभी सुनते होंगे कि हाँ, एक राष्ट्रीय महिला आयोग है जिसकी अध्यक्षा है रेखा शर्मा जी, 2018 से वो इस महिला आयोग की अध्यक्ष है। मणिपुर 78 दिनों से जल रहा है, वहां पर जो अपराध हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ा है, वहां महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को भुगतना पड़ा है। कई सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही थी कि वहां पर जो दो जनजातियों के बीच में जो लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा पिस रही है तो वहां की महिलाएं। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हूं चाहे उसकी मेंबरान हूं, किसी ने भी एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं की। लेकिन अगर आप NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के वेबसाइट पर जाएंगे और जब पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे, तो आपको रेखा शर्मा का एक और परिचय भी देगा। वो परिचय मैं आपको पढ़कर बताता हूं। रेखा शर्मा के परिचय में कहा गया है कि उन्होंने, रेखा शर्मा ने, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, उत्तर पूर्वी महिलाओं, नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है, जो छात्रों को उनके अधिकारों से सज्जित करने और उनके खिलाफ लंबित अपराधों से निपटने के लिए कानूनी सहायता देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने महानगरों में रहने वाली उत्तर पूर्वी क्षेत्र की महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर एक महावेबिनार आयोजित किया था, जिसमें मंत्रालय, गैर सरकारी संगठनों और अन्य नागरिक समाज संगठनों के विशिष्ट अधिकारियों की भागीदारी देखी गई थी। आयोग ने अंतर्राज्यीय महिला प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कानून और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की समीक्षा भी की है। ये राष्ट्रीय महिला के वेबसाइट पर रेखा शर्मा जी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, उनके परिचय के में कसीदे गढ़े गए हैं। उसकी एक मैंने एक छोटी सी आपको बानगी बताई। लेकिन कल जो एक वीडियो वायरल हुआ, जिस पर आज प्रधानमंत्री को भी पीड़ा हुई है, देश को भी पीड़ा हुई है, पूरे सभ्य समाज को पीड़ा हो रही है, आज हमने जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की कि कहां है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग और क्या कर रही हैं अध्यक्षा महोदय और क्या कर रहे हैं उनके मेंबरान, तो कहीं कोई आता पता नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब राष्ट्रीय संस्थानों को आप पॉलिटिकल पार्टी के चंगुल में फंसा देंगे, उनसे जोड़ देंगे, तो वो वही काम करेंगी जहां पर उनका हित सदेगा, मतलब जहां राजनीतिक एजेंडा लागू करने के लिए जगह मुफीद होगी, वही राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंचेगी।